ना इधर ना उधर सीधे मुद्दे पर नजर और क्या है आज की खबर आप देख रहे हैं शुरू कर चुके हैं न्यूज़ एटीन आपके पुनीत के साथ आज हम बात करने जा रहे हैं ईरान पर हुए इसराइल के अटैक की और उस अटैक के बाद अमेरिका की तरफ से दी गई ईरान को हिदायत की बस बहुत हुआ जो हो गया सो हो गया और अब अमेरिका ये कह रहा है कि बदला पूरा हो गया अब जो हुआ सो भूल जाओ शांति स्थापित करो ये किसे कह रहा है ईरान को कह रहा है क्यों कह रहा है दरअसल इसराइल ने कल ताबड़तोड़ हवाई हमले किए और ईरान के कई ठिकानों को नस्तो नाबूद करने का दावा किया इसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से यह कहा गया कि हमने जो टारगेट सेट कर रखे थे वो सारे टारगेट हमने अचीव कर लेकिन दूसरी तरफ ईरान के सुप्रीम खामनेई जो हैं उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम ये जानते हैं कि इसराइल जो बता रहा है वो कुछ ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बता रहा है इसे समझना ज़रूरी है और समझाना भी ज़रूरी है एक प्रकार से उन्होंने अपने ही अधिकारियों को ये कहा है कि इसे समझाना ज़रूरी है अपनी भाषा में अपने देश हित का ध्यान रखते हुए हमारे युवाओं की शक्ति को पहचानना ज़रूरी है और उसे समझाना ज़रूरी है इसराइल को दरअसल इसराइल की तरफ से एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया था क्यों लॉन्च किया गया था ये आपको मालूम है कि बीती एक अक्टूबर को ईरान की तरफ से इसराइल के ऊपर तेल अवीब के ऊपर लगातार अटैक किए गए थे करीब 160 से ज़्यादा मिसाइलें उसके ऊपर दागी गई थी और उसके बाद यह दावा किया गया था कि वहाँ भारी नुकसान हुआ इसराइल ने इससे इनकार किया था लेकिन अमेरिका ने बताया था कि ख़ास तौर पर उन जगहों को निशाना बनाया गया ईरान की तरफ से जहाँ पर फाइटर जेट्स इसराइल के रखे थे और उनको भी काफ़ी नुकसान हुआ इसके बाद इसराइल की तरफ से बेंजामिन नतनयाहू की तरफ से यह कहा गया था कि हम इसका बदला लेंगे जगह भी हमारी होगी समय भी हमारा होगा और क्या टारगेट करना है ये भी हम तय करेंगे तो ये सब कुछ तो हो गया लेकिन कुछ बयानों की बात करेंगे उससे पहले आरोपों की बात कर लेते हैं आरोप किसकी तरफ से लगाया गया ईरान की तरफ से ये आरोप लगाया गया कि जो हमला हुआ और 100 फाइटर जेट्स से इसराइल ने जो अटैक किया है फिफ्टीन एफ सिक्सटीन से अटैक किया वो उन फाइटर जेट्स ने इराक के हवाई क्षेत्र का सहारा लिया या उसका इस्तेमाल किया यानी कि उसके एयर स्पेस का इस्तेमाल किया ये ईरान की तरफ से आरोप लगाया गया और यह भी आरोप लगाया गया कि इस क्षेत्र में अमेरिकी सेना तैनात है अमेरिका जो है उसका एक प्रकार से अमेरिकी सेना जो है वहाँ पर उसका वर्चस्व है और यहाँ तैनाती है लेकिन अमेरिका की तरफ से कहा गया कि हमको तो ये कुछ मालूम नहीं था हाँ हमको ये मालूम था कि हमला होगा हमला किया जाएगा इस बात की जानकारी हमको थी लेकिन हम इसमें किसी भी रूप से शामिल नहीं थे ये अमेरिका की तरफ से कहा गया लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस मामले में की तरफ से कोई सफाई कोई बयान नहीं आया कि उसने इराक के एयर स्पेस का इस्तेमाल किया या नहीं किया इराक की तरफ से भी आधिकारिक रूप से तो कुछ बातें सामने नहीं आई इस मामले को लेकर लेकिन ईराक के एक नेता ने जरूर कहा कि अगर ऐसा है तो इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए यह बातें सामने आई अब बयानों की बात कर लेते हैं यह तो आरोपों की बात हो गई लेकिन बयानों में क्या कुछ सामने आया बयानों में यह सामने आया कि अमेरिका एक तरफ समझाने की कोशिश कर रहा है किसको ईरान को और यह कह रहा है कि अगर आप हमला करते हैं तो उसके नतीजे गंभीर होंगे इस बार तो अमेरिका इसमें साथ नहीं था लेकिन अगर आगे ऐसा होगा तो अमेरिका भी उसी तरीके से जवाब देगा यह अमेरिका की तरफ से कहा गया अमेरिका ने यह भी कहा कि हम गाजा हो या लेबनान वहां पर शांति या सीज फायर स्थापित हो सके इसके लिए हम लगातार कोशिश करने में लगे हुए हैं दूसरी तरफ यही बात जो है ईरान एर, की तरफ से भी सामने आई यानी कि रिटेलिएट करना या जवाब देना उससे ज्यादा अहम ईरान किस बात को बता रहा है ईरान बता रहा है कि इससे ज्यादा अहम यह है कि गाज़ा में शांति होना चाहिए लेबनान में शांति होना चाहिए वहां पर सीज फायर होना चाहिए लेकिन अमेरिका कह रहा है कि लेबनान और गाज़ा में सीज फायर तो होना चाहिए लेकिन जो इसराइली बंधक बनाए गए हैं उनको भी छोड़ा जाना चाहिए तो क्या दोनों तो दोनों की तरफ से बात तो एक ही सामने आ रही है लेकिन तीसरी तरफ इसराइल की तरफ से क्या किया जा रहा है इसराइल अभी भी लगातार एक तो हमला उसने ईरान पर कल किया लेकिन इसके पहले लगातार रोजाना के तौर पर इसराइल लेबनान पर अटैक कर रहा है और वहां पर हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बना रहा है सबसे बड़ी बात यह है कि हिजबुल्ला के लड़ाके अब भी वहां पर मौजूद हैं हालांकि यह भी बात है कि हिजबुल्ला के टॉप कमांडर्स जो हैं उनको ढेर कर दिया गया है नसर की मौत के बाद ही ईरान ने इसराइल के ऊपर हमला बोला था एक अक्टूबर का यह दिन था इसके पहले अप्रैल में भी ईरान की तरफ से इसराइल पर अटैक किया गया था लेकिन अगर हिजबुल्ला के कमांडर्स की बात की जाए तो उनकी मौत के बावजूद भी हिजबुल्ला के लड़ाके वहां पर न केवल तैनात हैं बल्कि उनके पास बड़ी संख्या में मिसाइलें भी मौजूद हैं और इन्हीं मिसाइलों से वो लगातार इसराइल के ऊपर अटैक कर रहा है इसमें कुछ कत्तीषा रॉकेट्स भी मौजूद हैं और, और भी कई रॉकेट्स हिजबुल्ला के पास अभी भी मौजूद हैं जो कि काफी दूर तक वार करने की ताकत रखते हैं और तो और अगर आगे स्थितियां बिगड़ती हैं और अगर इसराइल कहीं भी सीज फायर के लिए राजी नहीं होता और वो कहता है कि हम लगातार अटैक करेंगे क्योंकि सीरिया पर भी अटैक किए खासतौर पर बात ये भी है कि इसराइल का ये कहना है कि सीरिया से पूरी मदद जो है हिजबुल्ला को लेबनान में पहुंचाई जाती है और इसीलिए सीरिया पर भी खासतौर पर सप्लाई लाइन को तोड़ने के लिए वहां पर अटैक किए गए इसराइल के द्वारा लेकिन अब प्लानिंग ये बताई जा रही है कि हिजबुल्ला और उसके साथ साथ क्योंकि खामने ये कह चुके हैं कि हमारे लड़कों की ताकत हमारे युवाओं की ताकत इसराइल को बताना ज़रूरी है तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कि एक तरफ हजबुल्ला दूसरी तरफ ईरान एक साथ रॉकेटों की या मिसाइलों की बौछार इसराइल पर कर सकते हैं और ऐसे में इसराइल का आयरन डोम जो है वो क्या काम कर पाएगा ये एक बड़ा सवाल है क्योंकि प्लानिंग तो ये है कि एक साथ एक साथ मतलब कुछ मिनटों के भीतर हजारों रॉकेट्स जो हैं वो इसराइल के ऊपर दाग दिए जाएं। ऐसे में आयरन डोम क्या उसको बचा पाएगा क्योंकि कुल मिलाकर आयरन डोम का काम ये होता है कि एक मिसाइल उधर से छूटी आयरन डोम ने उसको ट्रैक किया और एक दूसरी मिसाइल यहां से छोड़ी और उसको हवा में ही मार गिराया लेकिन जब इतनी बड़ी संख्या में मिसाइलें छोड़ी जाएंगी तो क्या यह आयरन डोम काम कर पाएंगे सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमला इसराइल की तरफ से ईरान के ऊपर किया गया था उस हमले में सबसे पहले टारगेट क्या किया गया सीरिया में मौजूद रेडार जहाँ पर लगे हुए हैं वहाँ पर इसके अलावा इराक के रेडार सिस्टम को टारगेट किया गया ताकि वो लड़ाकू विमान क्योंकि सौ के करीब लड़ाकू विमान जो हैं वो हवा में उतार दिए गए थे और उसके द्वारा यह हमला किया गया हवाई हमला यह था तो ऐसे में रडार सिस्टम को नष्ट कर देने से वो रडार जो है वो डेटा संग्रहित नहीं कर पाएंगे और जानकारी नहीं मिल पाएगी यानी कि जवाबी कार्रवाई नहीं हो पाएगी उसके बाद उन जगहों को निशाना बनाया गया जहां पर रॉकेट्स तैयार होते हैं मिसाइलें तैयार होती हैं उन जगहों को निशाना बनाया गया ईरान में तो ऐसे में इसराइल की तरफ से यह कोशिश है कि किसी भी तरीके से कमर तोड़ी जाए क्योंकि ये वॉर जो चल रहा है सबसे बड़ी बात यह कि जो जंग चल रही है या रुक रुक कर एक दूसरे के ऊपर हमला जो बोला जा रहा है वो मिसाइलों से ही ज्यादा हो रहा है हवा से ही ये सब कुछ खेल चल रहा है तो इसराइल की तरफ से क्या तैयारियां ये देखना होगा क्योंकि इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू कह चुके हैं कि हम कई मोर्चे पर लड़ाई लड़ रहे हैं हम वेस्ट बैंक में लड़ाई लड़ रहे हैं हम गाज़ा में लड़ाई लड़ रहे हैं हम हिजबुल्ला से लड़ाई लड़ रहे हैं हम ईरान की तरफ से लड़ाई ईरान से लड़ाई लड़ रहे हैं हम इराक़ में मौजूद जो मिलिशिया हैं उनसे लड़ाई लड़ रहे हैं हम होथी से लड़ाई लड़ रहे हैं और हम सीरिया में जो मौजूद गुट हैं उनसे भी लड़ाई लड़ रहे हैं तो सात मोर्चे नतन ने गिनाए हैं कि सात मोर्चे पर हम लड़ाई लड़ रहे हैं ऐसे में देखना यह है कि क्या ये लड़ाई जो है इसका अंत होता है क्योंकि जराइल की तरफ से एक वीडियो भी जारी किया गया है और वीडियो जो जारी किया गया उसमें यह बताया गया कि जो हमला किया गया उसमें महिला फाइटर पायलट जो हैं उन्होंने इस इस हमले को अंजाम दिया है और सबसे बड़ी बात यह है कि इस ऑपरेशन का नाम जो रखा गया वो नाम उसका जिक्र करना यहाँ पर बहुत जरूरी है और इस ऑपरेशन का नाम रखा गया था नसीहत वाला ऑपरेशन यानी कि इसमें यह बात सामने आई है कि डेज ऑफ रिपेंटेंस जी हाँ डेज ऑफ रिपेंटेंस यानी कि पछतावे का दिन पछतावा किसके लिए पछतावा ईरान के लिए कि उसने जो हमला किया था उसके बाद यह उसके लिए पछतावे का दिन है तो क्या आने वाले वक्त में जब अमेरिका यह कह रहा है कि बस बहुत हुआ अब बदला पूरा हुआ शांति करो वरना फिर आपको इसके अंजाम भुगतने पड़ेंगे हम नहीं चाहते कि ईरान में और हमले हों तो ये एक प्रकार से चेतावनी भी है एक प्रकार से समझाइश भी है लेकिन अमेरिका की तरफ से ये भी कहा गया है कि अगर आगे ऐसा हुआ तो हम साथ आ जाएंगे इसराइल के जबकि रशिया की तरफ से पहले ही कहा जा चुका है कि अगर अमेरिका साथ में आकर खड़ा होता है इसराइल के तो हम ईरान के साथ खड़े होंगे और ऐसे में ये युद्ध और बड़ा हो सकता है और इसका विस्तार बड़ा हो सकता है लेकिन कोई नहीं चाहता कि इसका विस्तार बड़ा हो बल्कि सीजफायर की बात हो रही है लेकिन इसराइल ने इस पर अभी कुछ भी नहीं बोला है तो देखना होगा आने वाले दिनों में कि मिडिल ईस्ट में क्या शांति छाती है या फिर ईरान एक बार फिर से अपना बदला लेगा